इग्नेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार, नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी वह मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को जितना भी ज्ञान दे दो, वह अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। आज की तारीख 6 अगस्त 2023, आज का वार रविवार। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, गुजराती संवत 2079 और कली संवत 5125 चल रहा है। आज श्रावण अधिक माह का 20वां दिवस है। कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 7:09 सुबह तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि 5:20 अगले दिन सुबह तक रहने वाली है। आज के सूर्योदय का समय है 5:45 सुबह। सूर्यास्त का समय रहेगा 7:09 शाम को। आज चंद्रोदय का समय है 10:26 शाम को और चंद्रास्त 10:33 सुबह पर होगा। आज चंद्रमा मीन राशि में 1:43 अगले दिन सुबह तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा मेष राशि में आ जाएंगे। आज की सूर्य राशि है कर्क राशि और आज का सूर्य नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है। आज चंद्रमा रेवती नक्षत्र में 1:43 अगले दिन सुबह तक रहने वाले हैं। इसके बाद चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे। आइए जानते हैं रेवती नक्षत्र के बारे में कुछ आवश्यक बातें। जिन लोगों के नाम अक्षर दे, दो, चा और ची से शुरू होते हैं, ऐसे लोग होते हैं रेवती नक्षत्र वाले। इनकी राशि होती है मीन, राशि स्वामी गुरु। तत्व की बात करें तो जल तत्व से संबंध रखते हैं और गण इनका रहता है देव, नाड़ी, अंत्य, नक्षत्र देवता, पूषा और स्वभाव से ऐसे लोग होते हैं मृदु स्वभाव वाले। आज का पहला करण तैतिल 7:09 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा करण गर 6:09 शाम तक रहने वाला है। तत्पश्चात वणिज करण अगले दिन 5:20 सुबह तक रहेगा। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 8 अगस्त को श्रावण चतुर्थ मंगला व्रत है, कालाष्टमी है और 9 तारीख को मासिक कार्तिकाय, 10 अगस्त को रोहिणी व्रत और 12 अगस्त को परमा एकादशी का व्रत होगा। आज का योग धृति 8:27 शाम तक रहने वाला है। तत्पश्चात शूल योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है। आज के दिन पश्चिम दिशा की ओर यात्रा न करें। बहुत ही आवश्यक होने पर पान, घी और दलिया खा करके प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा करने से दिशाशूल का कुछ प्रभाव अवश्य ही कम हो सकता है। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 12:00 दोपहर से 12:54 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 2:41 दोपहर से 3:35 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:20 सुबह से 5:02 सुबह तक रहेगा। आज का अशुभ समय, आज का राहु काल 5:28 शाम से 7:09 शाम तक रहने वाला है। यमगण काल का समय 12:27 दोपहर से 2:07 दोपहर तक रहेगा। राहु काल और यमगण काल दोनों ही अशुभ समय है, इसलिए इन समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, नए कार्य प्रारंभ नहीं करने चाहिए। अन्यथा कोई विघ्न आ सकता है, कोई बाधा आ सकती है, आपके कार्य अधूरे रह सकते हैं। आज के अन्य अशुभ योगों में से पंचक काल 5:45 सुबह से 1:43 अगले दिन सुबह तक रहने वाले हैं। भद्रा अथवा विष्टि का समय रहेगा 5:20 अगले दिन सुबह से 5:46 अगले दिन सुबह तक। मित्रों, भद्रा और पंचक के समय में भी किसी प्रकार के शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किए जाते। आज के अन्य शुभ योगों में से अमृत कालम योग 11:27 रात्रि से 12:58 अगले दिन सुबह तक रहेगा।
आज रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का समय एक ही है, 1:43 अगले दिन सुबह से 5:40 अगले दिन सुबह तक। मित्रों ये था आज का शुभ पंचांग, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।